So, how are we today? काजल आएगी तुम्हारी, काजल आना ही पड़ेगा उसे। आप इतने दिल से, दिल की गहराइयों से उसे याद करते हैं, उसे भी कांचन मिलता होगा, जरूर आएगी वो, आना ही पड़ेगा उसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सेठ जी, बुढ़ापे में मेरी मिट्टी पलीत मत करिए। मेरी काजल की जगह एक नाचने वाली इस घर में आएगी। ची 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 ची। राम राम राम। एक बार देख तो लो ताई, कहते हैं बिल्कुल काजल जैसी है। खाक, जो कहता है उसके मुंह में खाक। ना तो मेरी काजल जैसी आज तक कोई हुई है, ना कभी होगी। चल भीतर चल। काहे सिंघाल बाबू, खा गए ना चक्कर। अच्छा तो इनकी ड्यूटी पे आई हूँ। मैं कहूँ साहब जी गुड मॉर्निंग बोलूं? हाँ, घनी फंटास्टिक सजावट कर रखी है सेठ ने। मम्मी मम्मी मम्मी, अब आ गए? आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। ये कौन सी ड्रेस पहनी है मम्मी? फैंसी शो में गई थी, सो स्वीट। अच्छा, आपने प्रॉमिस किया ना आके वीडियो गेम खेलूंगी। अभी नहीं बेटे, अभी मम्मा थकी हुई है। अरे पापा कहाँ हैं? वो भी तो आपके साथ गए थे। वो दिल्ली गए हैं बेटे। मम्मा आ गई है, अब पापा भी आ जाएंगे। जाओ आप जाकर सो जाओ। ताई, पूजा को ले जाकर सुला दो। छोड़, तुझे तो पवित्र करना पड़ेगा। राम 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 राम। देखो ये बच्ची तो मन्ने चोखी दिखे साहब जी, पर ये बुढ़िया मन्ने टेढ़ी दिखे। ऐसी बात नहीं करते, अच्छी तरह बोलते हैं। हम इन्हें ताई कहते हैं। मेरी बेटी थी ना काजल, उसको इन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। हमारे लिए तो सगी हुई ना। हाँ हाँ साहब जी, पर हमारे लिए तो सौतेली हुई ना। आप समझा देना, बेफजूल में मेरी बेइज्जती खराब ना करें, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आ गया, बैठना काजल। अब गिरना नहीं, संभाल कर बैठना, मैं एक मिनट में आता हूं। काजल बास्टर्ड, तूने मेरे बाबूजी की जान ली और तू सोचता है कि तू बच जाएगा? देख, अरे मेरी तरफ देख, देख मौत कैसी होती है, देख देख। शाबाश करण, शाबाश। जिसकी बहादुर के किस्से मैं पढ़ता था अखबारों में, आज एक मुर्दे को मार रहा है। ये मुर्दा नहीं है डॉक्टर, ये मुर्दा मेरी गोली खाने के बाद होगा। अच्छा खासा ये। लगता है तुमने इसकी हालत पर गौर नहीं किया। देखो इसे, गौर से देखो, ना होश है ना एहसास, ना दुख जानता है ना सुख जानता है, ना जीना जानता है ना मरना जानता है। और ये हालात तुम्हारी वजह से हुए हैं। क्या कसूर था इसकी पत्नी का जो बेवजह मारी गई? कसूर तो मेरे सीधे साधे ईमानदार बाबूजी का भी नहीं था। तो इसीलिए तुम अनाप शनाप लोगों को मारते फिरोगे? इसे मारोगे, मुझे मारोगे, सबको मार दोगे, क्या होगा उससे? तुम्हारे बाबूजी फिर से जी उठेंगे, बड़ी शांति मिलेगी उनकी आत्मा को। हाँ हाँ, मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। ये जो तुम्हारे सीने में बदले की आग है ना, उसकी तसल्ली के लिए तुम इसको मारना चाहते हो। मारो इसको, जान से मार दो इसको। वैसे भी ये एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। बड़ी मेहनत कर रहा था मैं कि शायद मैं इसको एक नई जिंदगी दे सकूं, पर नहीं। ओए! जल्द से जल्द ठीक कर इसे डॉक्टर, दे इसे जिंदगी। जिस दिन तू इसे जिंदगी देगा, मैं इसे मौत दूंगा, मौत, सिर्फ मौत।
क्या हुआ? 5.5 महीने का बच्चा है। यह टीना कमाल की हसीना, इसके साथ मेरा चक्कर चल रहा था मगर इसका हस्बैंड बड़ा कमीना था, वरना मेरी शादी से हो जाती मेरे 5.5 बच्चे हो जाते। क्या हुआ, नहीं समझा? दूसरा सुन। एक लड़का जा रहा था, मुझसे भी काला, सफेद कपड़े पहनकर। एक सदाजी ने देखा, उसको बोला, ओए तेरे पीछे काला काला डामर लगा हुआ है। उसने कहा, सदाजी मजाक मत करो, मेरी पैंट पीछे से फटी हुई है। क्या हुआ, नहीं समझा? तूने मुझे बहुत पकाया ना, मैं भी तेरे को पकाऊंगा। तीसरा सुन। एक लड़का भागता हुआ है अपनी मम्मी से, बोला, मम्मी मम्मी मम्मी, किचन में ना रामू नौकर है ना, लक्ष्मी नौकरानी से चुम्मा चाटी कर रहा है। उसकी माँ गुस्से में आकर उसको बुलाकर डांटी, बेवकूफ उल्लू का पट्टे ऐसे काम करता घर में। तो बच्चे ने कहा, मम्मी मम्मी, अप्रैल फूल अप्रैल फूल, वो रामू नहीं था, डैडी थे। क्या हुआ? कुछ कुछ होता है, है? तेरे बगैर मेरा कुछ नहीं होता है, तेरा वो कुछ कुछ होता है। कल किधर गई थी तू? अरे नहीं मैन, कलम पिक्चर देखने गया था, कुछ कुछ होता है। मेरे बगैर मेरे को लेके नहीं गई तू? तुम हमको पिक्चर हॉल में पिक्चर कहाँ देखने देता है मैन, तुम तो हमको आजा फिर तो पिक्चर दिखा दो, पिक्चर दिखा दो, आजा। रवि रवि, अरे को रोको उसको, अरे रवि अरे जाओ। तू औरत है कि बुलडोजर, देख मेरा क्या हाल बना दिया। पकड़ लिया। हाय, क्या पकड़ लिया, किसने पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया, पकड़ लिया। इतनी जल्दी हमारा साथ छूटने वाला नहीं है दोस्त, नहीं जाने दूंगा। डाकू सचमुच आया था या फिर ऐसे ही? सच्ची डाकू, तेरा भगवान भला करे, ऐसे रोज आया कर यार। ये सब क्या है मिस्टर सिंघल? क्या है डॉक्टर आनंद, वो करण का बच्चा हद से आगे बढ़ रहा है, हमें डर है कि वो यहाँ ना आ जाए। लेकिन वो तो यहाँ आ चुका है। कौन, करण? लेकिन रवि तो ठीक है ना? हाँ रवि तो बिल्कुल ठीक है। ही, क्या कह रहे हैं आप, करण यहाँ आ चुका है और रवि फिर भी? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि शेर कभी मुर्दों का शिकार नहीं करता। डॉक्टर, आप करण को शेर कह रहे हैं? नहीं, मैं मिस्टर रवि को मुर्दा कह रहा हूं। रवि की तो हालत देखी है ना आपने, उसकी जान को तब तक कोई खतरा नहीं जब तक वो अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर, रवि अच्छा कब होगा? जब आप काजल को उसके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। क्या हुआ आपकी काजल का, वो तैयार हुई कि नहीं? अरे अरे, इधर कहाँ चली आ रही है, इधर कहाँ चली आ रही है, मतलब भूख लगी है, कुछ खाने को लेने आई है। हाँ हाँ, उधर चल उधर, खबरदार जो मेरी रसोई के भीतर पांव धरा तो, नचनियों का डेरा समझ रखा मेरे घर को। उठाया मुंह और चली आई भीतर। ये ले खाना, ठूस ले ले, मर भर का धर्म करम सारा मिट्टी में मिला दिया। ये कहाँ चली गई? राम राम राम, ये क्या है, ये क्या मतबल? बढ़िया, तू क्या समझे मने, ऐसे खाना फेंके, कुतिया समझे मने? भोकती तो वैसे ही है, भोकती नहीं काटती भी हूँ, दिखाऊं काट के? आगे बढ़ी तो काट के रख दूंगी। हाँ। जिंदा छोड़ूंगी तब ना। खैर तेरी तो, बुढ़िया सुस्वीत तेरी तो, इंसियत करी कचरी की, अरे कचरी तेरी काट काट के पीस पीस के टुकड़े कर देगी, इंसियत करी, ए बुढ़िया, आज बड़ा पूरा ले लिया तूने। अरे तेरा
खड़ करो। क्या हो रहा है ताई, क्या हो रहा है ये? बेटी तो खो चुका हूँ, सोचा शायद रवि की जिंदगी बचा सकूं, जिसकी जिंदगी काजल के नाम पर टिकी हुई है। अब नहीं बचा पाऊंगा उसे, अब नहीं बचा पाऊंगा उसे। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहो, मेरी उम्र भी लग जाए जमाई राज। सिर्फ कह देने भर से कुछ नहीं होता। कितनी उम्मीद थी कि तुम इस लड़की को काजल बनाकर रवि के सामने ले जाने लायक बना दोगी, लेकिन तुम्हें तो अपनी नफरत से छुटकारा नहीं मिलता। जाओ यहाँ से, छोड़ दो हमारी किस्मत के ऊपर। जाती हूँ, जाती हूँ सब्जी, जाती हूँ। गुड मॉर्निंग। अरे तेरे नोटों के खाते नहीं आई थी गजरिया ना? धोखे में आई थी, धोखे में, कि गजरी देखकर आप बड़े लोगों का घर कैसा होता है, ऐसा होता है साला, सुसरा ऐसा होता है। ठीक, जाती हूँ और तेरे नोट भिजवा दूंगी तेरे को मैं। फिर मत कहियो कि गजरी ने कही नहीं। हाय राम, सिर फोड़ लिया कमबख्त की मारी ने। सॉरी। ट्राई टू स्लीप काजल। अरे क्या हुआ? पिछले सात दिनों से डॉक्टर साहब, पिछले सात दिनों से ना ये खुद सोता है ना मुझे सोने देता है। अगर ये नहीं सोया, अगर ये नहीं सोया तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। मेरी लिल्ली शादी से पहले विधवा हो जाएगी, मेरा बच्चा पैदा होने से पहले अनाथ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसको नींद का इंजेक्शन लगा दीजिए। सुंदर, इसको इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो मुझे लगा दीजिए। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसके दिमाग पर असर पड़ सकता है, हालत और खराब हो सकती है। मेरी हालत की आपको कोई फिक्र नहीं है? कुछ तो दवा होगी इसके लिए। सुंदर, इसकी दवा बन रही है। काजल, सुरमा बोल, बिंदी बोल, लिपस्टिक बोल, नेल पॉलिश बोल, काजल मत बोल, काजल मत बोल। अरे तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। सारी हा? सारी, ओ इट इज ऑल राइट। भूख लगी है? खाना दू या फिर बोतल ला दू? वही चढ़ा ले, पेट भर जाएगा। बोतल तो तोड़ दी ना अम्मा। क्या बोली? तोड़ दी बोतल, अब ना पीने की। उसके बाद क्या बोली अम्मा? साहब जी ने कहा था जो माँ जैसी हो उसे अम्मा कहें। मैं अम्मा ना हूं तेरी, ताई हूँ। काजल मुझे ताई कहती थी। ले। अरे अरे अरे, काजल की जगह ये नहीं, वो है मेज पे। चल यहाँ बैठ। छी, कैसे खा रही है? ऐसे नहीं काजल, यू खाती थी। उठा चम्मच, चम्मच उठा, ऐसे ऐसे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरा भगवान तेरे साथ है। याद रख बच्ची, तू एक अच्छे काम के लिए जा रही है। मम्मी मम्मी, पापा को साथ ही लेके आना, मैं उनके बिना नहीं रह सकती।